رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله فضل بعضكم على بعض और अल्लाह ने तुम्हें से बास को बास पर फजीलत दी है फिर रिस्क रिस्क के मामले में. फमन लदीन फुदिलू सो नहीं है वो लोग जिन्हें फजीलत दी गई बिराद दी रिस्कहिम ऐसे कि अपने रिस्क दे दें अलामा मलकत ईमानुहुम अपने ममलूकों को अपने गुलामों को फहम फी सवा ताकि वो भी उस रिस्क में बराबर के हिस्सेदार हो जाए. अब ये दो डायमेंशन है इस पूरी आयत की. एक ये है कि हम अल्लाह ताला तुम्हें नवाजता है तुम आगे नहीं देते मिल बांट के नहीं खाते. सेकेंड डायमेंशन क्या है कि तुम अपने गुलामों को इतना तो नहीं देते ना कि तुम्हारे बिल्कुल बराबर ही हो जाए तुम्हारे बिल्कुल ही शरीक हो जाए. तो अल्लाह अपने गुलामों को नवाजता है अल्लाह भी अपने बंदों को नवाजता है लेकिन किसी को अल्लाह ताला इतना नहीं देता कि उसके साथ शरीक ही हो जाए. अफ बिन अहमदिल्लाह यजहदून तो क्या फिर अल्लाह की नियमतों का इनकार करते हैं. अल्लाह जाल लकुम मिन अनफुसिकुम और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से बनाई हैं अजवाजा बीवियाँ जोड़े बीवियों के लिए शोहर और शोहरों के लिए बीवियाँ. वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम फिर अता किए तुम्हें तुम्हारी बीवियों से बनीना व हफदतन बेटे और व हफदतन बाग बाग के काम करने वाले पोते हैं. व रज़क़तुम मिन अत्तय्यिबात और खाने को दीं तुम्हें पाकीज़ा चीज़ें. अफ़ बिल बातिल युमिनून तो क्या फिर जो लोग बातिल पर तो ईमान लाते हैं व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून और अल्लाह की नियमतों का इनकार करते हैं. व यअबुदून मिन दूनिल्लाह और अल्लाह को छोड़कर पूजते हैं माला यमलिकु लहुम ऐसों को जो इनके लिए नहीं अख्तियार रखते रिस्क मिन समावाति वल अर्ध आसमानों से और ज़मीन से रिस्क देने का शैयन ज़रा भी अख्तियार नहीं रखते वला यस्तफ़ीउन और ना ही कोई कुदरत रखते हैं. कुदरत और अख्तियार में फ़र्क क्या होता है कि एक बंदा कर तो सकता है लेकिन उसे अख्तियार नहीं है उसके अंदर सलाहियत है ना इनके अंदर सलाहियत है ना इनके अंदर अख्तियार है. फ़ला तक़रबू लिल्लाहिल अम्थाल सो अल्लाह के लिए मिसालें ना गढ़ा करो. इन्नल्लाहु यअलमु वअन्तुम ला तअलमून बेशक अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते. दरबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूका अल्लाह मिसाल बयान करता है एक बंदे की जो गुलाम है. अब ये दो तीन ऐसी मिसालें आ रही हैं जो अल्लाह ताला जब भी मिसाल बयान करते हैं तो असल में ऐसे हकायक होते हैं कि जो आपकी मेरी जो जहनी सतह है उससे अगर काफ़ी ऊंचे हों अगर एब्स्ट्रैक्ट अंदाज में बयान कर दिए जाएँ तो उनको मिसाल के अंदर ला कर बयान किया जाता है ताकि आप और मैं उसको समझ सकें. दरबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन अल्लाह ताला मिसाल देता है एक बंदे की जो गुलाम है दूसरे का. ला यक़दिरु अला शय ज़रा भी अख्तियार नहीं रखता उसका अपना कोई अख्तियार नहीं है दूसरे का गुलाम है दूसरे के इशारों पर ही उसने चलना है. दूसरा कौन है वमर रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना और दूसरा वो शख्स है जिसे हमने अपनी तरफ से अच्छा रिस्क दिया हो फहुवा युन्फिक़ु मिन्हु सो उसमें से खर्च करता हो सिर्रन व जहरा छुपे खुले. हल यस्तवून भला ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं. एक शख्स जो दूसरे का गुलाम हो दूसरे का मंगता हो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो और जो दूसरा जो अल्लाह ताला ने उसे नवाजा है और वो दूसरों को देने वाला है. अल्हम्दुलिल्लाह सब तरीफ़े तो अल्लाह ही के लिए बल अक्सर हम ला यालमून लेकिन उनमें से अक्सर बात जानते ही नहीं. वदरबल्लाहु मसला रजुलैन और अल्लाह ताला मिसाल देता है दो शख्स से अहदहुमा अबकमु उनमें से एक गूंगा है ला यक़दिरु अला शयइन कुछ करने की कुदरत नहीं रखता वह हुआ कल्लुन अला मौला और वो अपने मालिक पर बोझ है जैसे कहते हैं ना काम का ना काज का दुश्मन अनाज का वो वाली हालत है उस गुलाम की उस बंदे की. ऐनम वज्जिहुलायत भी खैर जिधर भी भेजे उसे कोई खैर की खबर नहीं लेके आता कोई ना कोई उल्टा ही काम करके आता हो. एक ऐसा बंदा हो और दूसरा बंदा हो हल यस्तवी हुआ वमन यउर्बिलआद क्या बराबर हो सकते हैं जी और वो शख्स जो अदल इंसाफ का हुक्म देता है. अब ये वाहिद के सीगे में तो उस पूरे माशरे में सबसे बड़े अदल के लंबरदार कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हर तरह के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं हुकूकुल्लाह में भी जुल्म जो जुल्म अजीम है शिर्क उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं और हुकूकुल इबाद में भी जितनी जुल्म की डायमेंशन हो सकती हैं उन सब के खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं. और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने पैरोकार हैं वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे इसी राह पर हैं और अदल इंसाफ का हुक्म दे रहे हैं. ये जो यमरु बिलआदल है ना जो बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं कि जो उभारते हैं अदल करने पर हुक्म देते हैं अदल करने का प्रमोट करते हैं अदल करने को सपोर्ट करते हैं अदल के रास्ते में ये अमर के सारे उस नुमाने आ जाएंगे. दूसरी बात क्या है कि अदल व किस्त की कुरान मजीद में क्या अहमियत है वो आपको इन आज के हमारा जो इनिशियल सबक होगा इससे भी आपके सामने आएगी
इंशाल्लाह आपको यहाँ कोई एक किताब है इस्लाम में अदल व किस्त की अहमियत, तो वो भी किताब आपके लिए बड़ी जो है ना वो चश्म कुशा होगी इंशाल्लाह। तो मैं उम्र बिलादल, और जो शख्स हुक्म देता हो इंसाफ का हुआ हुआ अला सिरात मुस्तकीम, और कायम हो सीधे रस्ते पर, अल्लाह ताला हमें सीधे रस्ते पर कायम फरमाए और अदल इंसाफ का लम्बरदार बनने की तौफीक अता फरमाए। पूरी उम्मत मुस्लिमा का वैसे तो मजमू भी यही काम है और इनफरादी तौर पर हर हर शख्स का भी यही काम है। वलिल्लाहि ग़ैबु समावाति वल अर्ध, और अल्लाह ही के लिए ख़ास है पोशीदा हकायक का इल्म जो आसमान व ज़मीन में है। वमा अम्रु साआति, और क़्यामत का मामला तो कुछ भी नहीं है, इल्ला कलमहिल बसर, मगर आँख झपकने की तरह, और हुआ अक़रब, बल्कि उससे भी जल्द तर है, उससे भी करीब तर है, जल्द तर है। इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरह क़ादिर है। अल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, और ये अल्लाह ही है जिसने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेटों से निकाला। ला तअलमूना शैया, इस हाल में कि तुम कुछ नहीं जानते थे। वजअल लकुम समा वल अबसार वल अफ़ईदा, और उसी ने तुम्हें कान आँखें और मरकज़ हवास दिलो दिमाग अता किए, सोचने समझने की ताकत दी। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। और फिर यहाँ शुक्र के वही तीनों माने जहन में ले आए, दिल से शुक्र करना, जुबान से शुक्र करना, और फिर अपने जवारह से शुक्र करना, अपने आज़ा और ऑर्गन्स से शुक्र करना। अलम यरू, क्या उन्होंने देखा नहीं, इल तैरी, परिंदों को, मुसख़रात फ़ी जौ समा, जो मुसख़र हैं फ़ज़ाए आसमानी में, मा युमसिकुहुन इल्लल्लाह, उनको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही ने थाम रखा है। इन फ़ी ज़ालिकल आयात, बेशक इसमें बहुत सी निशानियाँ। ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है तो उसे भी अल्लाह ने कायम रखा है, परिंदे फ़ज़ा में उड़ रहे हैं तो उन्हें भी अल्लाह ताला ने कायम रखा है। ये किस माने में कि अल्लाह ताला ने ही वो सारे कवानीन पैदा किए हैं मादी, जिनके ऊपर ये चीज़ें चल रही हैं। आपके मेरे पैदा किए हुए तो नहीं हैं। अंदाज़ा करें, ग्रेविटी एक फोर्स है जिससे आप और मैं फ़ायदा उठाते हैं, हमारी ज़िंदगी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन क्या आप में से मुझ में से किसी ने ग्रेविटी पैदा की है? या चलें यहाँ तक कर लें कि ग्रेविटी को कायम रखने में हमारा भी कोई किरदार है, हम भी उसको कुछ पे करते हैं कि वो ग्रेविटी कायम है। सोचने वाली बात है। अर्शमेदस का असूल, अर्शमेदस ने दरियाफ्त किया ना, बनाया तो नहीं था उसने, उसने तो नहीं चीज़ों को तराने लगा था, तैरती तो पहले से थी, उसने तो बताया था कि तैरती इस तरह है। तो ये अल्लाह है जिसने ये असूल बनाए हैं अजल से अब तक, जब चाहे अल्लाह ताला उन्हें ख़त्म करता है और जब चाहेगा सारों को ख़त्म कर देगा। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयात, बेशक इसमें बहुत सी निशानियाँ जो कौम यूमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। अल्लाह जाला लकुम मिन बुयूतिकुम, और अल्लाह ही ने तुम्हारे तुम्हारे घरों को बनाया सकनन, जाए सकून। वजअल लकुम मिन जुलूदिल अनाम बुयूता, और उसी ने तुम्हारे लिए चुपायों की खाल से भी घर बनाया, खैमे जो होते हैं। तस्तखिफूनहा, जिन्हें तुम हल्का सा पाते हो, यौम अदानिकुम व यौम इक़ामतिकुम, जिस दिन तुम सफ़र करते हो, जिस दिन कहीं जाके तुम क़याम करते हो। अब देखें, अगर ये खैमे कुमे ना होते तो जो बड़े बड़े सफ़र पुराने ज़माने में भी होते थे, जंगों पर लोग जाते थे, सफ़र पर जाते थे, वो सारे कैसे जा के रहते हैं अगर सिर्फ ईंट गारे के मकान होते तो? ये अल्लाह ताला का एक इजाफी नेमत है उन पर। मोमिन सवाफी हा व उबारी हा व शारी हा, व चुपायों की ऊन और पश्म और बालों से तुम्हारे लिए तरह तरह के असासा सामान बनाया उसने। मतान इलाहीन, और इस्तेमाल करने के लिए सामान बनाया इलाहीन, एक वक्त मुकर्रर तक। वल्लाहु जअल लकुम, और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए बनाया, मिम्मा खलक़ा ज़िलालन, उसमें से जो उसने पैदा फरमाया साए। मैंने कहा था सूरह नहल ऐसी सूरत है कि ऐसी ऐसी चीज़ों की तरफ जो इशारा करेगी कि हमने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि भी अल्लाह ताला की नेमत है। आप अंदाज़ा करें, कभी हमने पहले कभी सोचा कि साया भी अल्लाह ताला की एक नेमत है? अच्छा, एक तो होता ना दरख्त का साया, आपको धूप लग रही है तो आप जाके उसमें साया ले लिया आपने। अंदाज़ा करें कि अगर बारीक एनालिसिस से साइंटिफिकली देखें तो ये साया ही है जिसने इस दुनिया पर, इस ज़मीन पर ज़िंदगी को मुमकिन बनाया हुआ है। हमारा घर होता है तो उसकी छत का साया ही होता है ना, जिसके नीचे हम होते हैं। और इंटरेस्टिंगली अगर अभी आप गौर करें कि इस वक्त भी हम साए में बैठे हुए हैं, क्या ख्याल है? इस ज़मीन के साए में तो बैठे हुए हैं हम, सूरज दूसरी तरफ है नहीं। फ़ोन करें अमरीका, दिन होगा वहाँ, या हम उसके साए में बैठे हुए हैं। साया ना अल्लाह ताला ने बनाया होता तो फिर तो पता नहीं क्या होता। ये अल्लाह ताला की बड़ी ख़ास नेमत है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए साए बनाए। वजअल लकुम मिनल जिबाली अकनाना, और तुम्हारे लिए पहाड़ों में पनाहगाहें बनाई, गार बनाए। वजअल लकुम सराबील, और बनाया तुम्हारे लिए लिबास, तक़ीकुम अल-हर, जो तुम्हें गर्मी से भी बचाता है, व सराबील तक़ीकुम बअसकुम, और वो लिबास भी जो तुम्हारी लड़ाई की हालत में हिफाजत करता है, ज़रें बनाई और सब कुछ, ताकि लोगों की जंगें भी होती हैं तो आपस में गुस्सा शुस्सा निकल जाता है मार पिटाई करके, लेकिन जान बच जाती है।
कदाल के तीमन मदह, इसी तरह वो अपनी नियमतों की तकमील करता है, अलैकुम तुम पर, लअल्लकुम तुस्लिमून, ताकि तुम फरमा बरदार बनो। वो मादी नियमतों की भी तकमील करता है, अल्लाह ताला ने तुम्हें अकल दी है, हवास दी है, जरूरत इजाद की माँ है, तुम करते करते अल्लाह ताला की नियमतों को दरियाफ्त करते चले जाते हैं। और इसी तरह उसने जो रूहानी नियमत है अपनी वही की, उसकी भी तकमील फरमाई, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियमती। फ़ैन तवल्लव, फिर अगर जो मुँह मोड़ते हैं, फ़ैन्नमा अलैकल बलाग अल मुबीन, तो हकीकत यह है कि आपके जिम्मे तो खोल खोल कर पैगाम पहुँचाना ही है। या आरिफून नियमत अल्लाह, ये अल्लाह के एहसान को पहचानते हैं, सुमयों की रोना, फिर उसका इनकार करते हैं, और अक्सर हमल काफिरून, और अक्सर लोग उनमें से ना शुक्रे हैं। और यूँ नबाथ मिन कुल्ली उम्मत शहीदा, और जिस दिन हम खड़ा करेंगे हर उम्मत में से एक गवाह, तुम अलाई उदन लदीन कफरू, फिर ना इजाज़त दी जाएगी उनको जो काफिर हैं बोलने तक की, वला हम इस्तातबून, और ना ही उनसे तोबा कबूल की जाएगी। अब अल्लाह ताला ने हर ग्रोह, हर परिया, हर बस्ती, हर ज़माने में अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर भेजे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिसालत है वो अब पूरी नौ इंसानी के लिए, तो अल्लाह ताला हर हर उम्मत में से गवाह उठाएंगे कि बताओ भी तुमने पैगाम पहुँचाया मेरा कि नहीं पहुँचाया। जब वो ये कह देंगे कि अल्लाह हमने पैगाम पहुँचा दिया, तो फिर उनसे पूछा जाएगा कि भाई तुम तक पैगाम पहुँचा तो फिर तुमने क्या किया। वाइदार अल्लदीन ज़लमुल अज़ाब, और जब देखेंगे ज़ालिम लोग अज़ाब का अज़ाब को, फला युख़फ़फ़ु अन्हुम, तो उनसे अज़ाब हल्का ना किया जाएगा, वला हुम युंज़रून, और ना ही उन्हें कोई मुहलत दी जाएगी। वाइदार अल्लदीन अशरकू, और जब देखेंगे वो लोग जिन्होंने शिर्क किया था, शुरकाहुम, अपने ठहराए हुए शरीकों को, कालू, तो कहेंगे रब्बना हाउला अशरकाउना, रब्बा जे हमारे वो शरीक, अल्लदीन कुन्ना नदउ मिन दूनिक, जिन्हें हम पुकारा करते थे आपके अलावा। आप अंदाज़ा करें कुरान मजीद में मुख्तलिफ मौके की मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शन है। कभी कहा जाता है कि जब उनसे पूछेंगे कि कहाँ है वो शरीफ, तो वो कहेंगे हम तो पुकारते ही नहीं थे। फिर कभी कहा जाता है कि वो कहेंगे हमसे घूम गए। फिर कभी कहा जाता है कि वो बुलाएंगे, वो उनकी बात नहीं सुनेंगे। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जब वो देखेंगे तो कहेंगे कि जे हैं। इसमें एक इसको एक सीक्वेंस दें तो ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह पहले उनसे पूछेंगे तो कहेंगे हम तो पुकारते ही नहीं थे, फिर जब पूछेंगे और जब उनको नजर आएंगे तो फिर वो कहेंगे कि जी हैं जी हैं जी हैं, पहले खुद ही झूठ बोल के फिर कहेंगे जी हैं, फिर उनको पुकारेंगे वो सुनेंगे नहीं, फिर कहेंगे हमसे गुम हो गए। मतलब कि मायूसी पे मायूसी है। फलकौ इलैहिम अल-क़ौल, तो वो शुरका उन्हें जवाब देंगे, इन्नकुम लकाज़िबून, यकीनन तुम बहुत बड़े झूठे हो। दो तरह के शरीक होते हैं अल्लाह ताला के अलावा जिनको पूजा जाता है। एक वो जो बुत परस्त बुत हैं और शैतानों की पूजा करने वाले हैं जो लोग, तो ये तो होंगे अपने पूजा करने वालों के साथ खुद भी जन्म में, बुत और बुत परस्त दोनों जन्म में होंगे। वो शैतान जिसकी पूजा की जाती होगी वो भी, और उसको पूजा करने वाले सारे जन्म में इकट्ठे होंगे। दूसरे जिनकी पूजा की जाती है वो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह ताला के औलिया होते हैं, अल्लाह ताला के अंबिया होते हैं, वो तो जन्नत में आला मकाम पर होंगे, और वो कहेंगे नहीं जी हम ही नहीं पूजा करते थे, हमने तो ना इनसे कहा था ना कुछ, जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था। वल्कौम इलल्लाहि यौमैदिन सलम, और हो जाएंगे अल्लाह के हजूर उस दिन सारे सरनगुन, वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और गुम हो जाएंगे उनके वो झूठ जो वो गड़ा करते थे। अल्लज़ीन कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह, वो जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोकते रहे, ज़िदनाहुम अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाब, उन्हें हम अजाब पर अजाब बढ़ाते हुए देते चले जाएंगे, बिमा कानू युफ़सिदून, इस बिना कर हुए इस बिना पर कि वो फसाद बर्पा करते थे। अब ये लफ्ज़ फिर फसाद आ गया ना, अब जहाँ भी फसाद का जिक्र आएगा उसके करीब करीब कुछ और चीज़ें आएंगी जो भी आगे आने लगी हैं। वही उम्र बात फ़ी कुल उम्मत शहीदा, और जिस दिन खड़ा करेंगे हम हर उम्मत में से एक गवाह, अलैहिम मिन अनफुसिहिम, उन पर उन्हीं में से, वजीना बिका शहीद अला हाउला, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको लाएंगे शहादत देने के लिए इन लोगों पर। वनज़लना अलैकल किताब, और नाजिल की हमने आप पर यह किताब, तिबियानन, जो खोल खोल कर बयान करती है, लिकुल्ली शहीन, हर बात, वहुदं वरहमतं वबुश्रा है, और हदायत है, रहमत है, खुशखबरी है, लिल मुस्लिमीन, हुक्म मानने वालों के लिए। अल्लाह ताला हमें भी हुक्म मानने वालों में शामिल फरमाए। तो देखिए ज़मीन में फसाद बर्पा करने वाले लोग हैं, उसके बाद कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला इनके ऊपर गवाह के तौर पर लाएंगे। अब ये वही आयत है जो हमने सूरत बकरा में एक डिफरेंट अंदाज से देखी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सब पर लाएंगे, और फिर हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हमारी जिम्मेदारी कि हमने पूरी नौ इंसानी पर गवाही देनी है। अब वो गवाही किस चीज़ की देनी है, उसका जनरल सा फार्मूला तो मैंने आपको बताया था कि जो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपनी जो सामने जो लोग मौजूद थे उनके साथ जो जो बिहेवियर अख्तियार किया, हमें वो बिहेवियर पूरी नौ इंसानी के साथ अख्तियार करना है। उसी नसो खैर खाई के साथ, उसी जज्बे के साथ उन्हें दावत देनी है, उनके सामने अपना किरदार पेश करना है, उनके सामने एक अदल व इंसाफ पर मबनी निज़ाम कायम करके दिखाना है,
और यही मुख्तलिफ दर्जात हैं चीज़ों के। कभी दावत तबलीग के लिए शहादत का लफ्ज़ आता है, कभी अदल इंसाफ के लिए शहादत का लफ्ज़ आता है। याद कीजिए सूरह निसा और सूरह माईदा की वो मशहूर आयत के शुहदा बिलक़िस्त, अदल इंसाफ के गवाह बनना, अल्लाह के गवाह बनना, अल्लाह की खातिर गवाह बनना, अदल इंसाफ की खातिर गवाह बनना, ये मुख्तलिफ जो चीज़ें थी ये सारी जहन में रहनी चाहिए। अब उन सब चीज़ों को पस मंजर में रखते हुए अब इस आयत को देखिए, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान, यकीनन अल्लाह हुक्म देता है अदल का और एहसान का, वही इताए दिल क़ुरबा और कराबत दारों को देते रहने का। यह आयत बड़ी खूबसूरत आयत है, मैंने आपको एक वाक़या सुनाया था उसे फिर रिवाइज करें कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु और हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे और मुख्तलिफ जो डेरे होते हैं हाजियों के जो आए होते थे मक्के दूर दराज अरब के इलाकों से, उनको दावत दे रहे थे। तो वहाँ मफरूक नामी एक सरदार थे, उनसे बात हुई। जब हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारफ़ करवाया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी दावत पेश करने लगे तो उन्होंने पूछा मफरूक जो साहब थे कि भई आप किस चीज़ की दावत देते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। उन्होंने कहा अच्छा और किस चीज़ की गवाही देते हैं आप, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अनाम की वो आयात पढ़ी, कुल तआलु वतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैय्अन व बिल वालिदैनि इहसाना। उन्होंने कहा अच्छा आप और किस चीज़ की दावत देते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी आयत पढ़ी, इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदली वल इहसानि व इताए दिल क़ुरबा व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकरि वल बगी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। एक आयत के अंदर पूरे दिन को समूह करा दिया। तो जब उन्होंने सुना तो कहा कि बातें तो आपकी बड़ी अच्छी हैं लेकिन लगता है कि अहले इक्तदार को आपकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। आपका लगता है कि जो हुक्मरान तबका होगा, जो मफाद परस्त तबका है, जो लोगों को जिसने अपने नीचे दबा के रखा हुआ है, उसको आपकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, यकीन करो कि अल्लाह हुक्म देता है, अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि तुम कर लो तो अच्छी बात है, ना भी करो तो कोई मसले की बात नहीं। अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं यअमुरु बिल अदल, अदल का। तो पहली चीज़ जो दीन का सबसे जामे लफ्ज़ है वो अदल है। अब आप अंदाज़ा करें अदल कितना जामे लफ्ज़ है। इस पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने अदल पर पैदा किया, वही अदल तो है कि जो जब हम अपने अंदर दौर करते हैं नेकी बुराई की तमीज़, बाहर देखते हैं कि नेक और बुरे लोग हैं लेकिन वो बदला नहीं निकल रहा जो निकलना चाहिए, और अदल की एक प्यास ही तो होती है जो हमें आखिरत की तरफ हमारा जहन लेकर जाती है। तो आप अंदाज़ा करें कि इस पूरी कायनात का अदल तवाज़ुन पर कायम होना, फिर हमारा उसी अदल की प्यास की खातिर ईमान की तरफ आना, और फिर ईमान के नतीजे में जो फिर हमें सारे अहकाम इस्लाम के मिलते हैं, उन सारे जो अहकाम की जड़ बुनियाद अदल पर है, हमारे अकायद की, इबादात की, सब चीज़ों की। कभी आप तफसील से इसका अगर एनालिसिस करेंगे कि अल्लाह ताला के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हर चीज़ के बारे में इस्लाम ने हमें अदल सिखाया। और अदल कहते किसको है कि किसी शय को उसके सही मकाम पर रखना। अब ये कौन बताएगा कि उसका सही मकाम क्या है, ये एक अहम क्वेश्चन है। ये अल्लाह बताएगा, अल्लाह ने जो मकाम जिस शय का दिया है उसको उस मकाम पर रखना, ये होता है असल अदल। अल्लाह ताला आपको मुझे इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर जब खुद आपने अपनी ज़िंदगी के सारे जो दीन के अहकाम हैं उसमें एक अदल व तवाज़ुन के साथ काम किया और रहबानियत और दुनिया परस्ती की इंतहाओं पर नहीं गए और अदल पर कायम रहे, तो फिर अल्टीमेटली क्या है कि आगे गोल क्या है कि आप पूरी दुनिया के सामने भी अदल व इंसाफ का नमूना पेश करना और अदल ही कायम करके दिखाना है। जो निज़ाम ज़िंदगी कायम करना है, दीन को कायम करना है, खिलाफत राशिदा का नमूना कायम करना है, वो भी क्या है, अदल का ही क्या है ना। आखिरी चीज़ क्या है कि वो अदल को कायम करने की जद्दोजहद के दौरान भी तुमने अदल से काम लेना है। उस दौरान भी तुमने किसी इंतहा पसंदी में नहीं जाना, उस दौरान भी तुमने ला ततगौ वाली कैफियत में, कि तुमने सरकशी वाली या तुगयानी वाली कैफियत में हाथ से आगे नहीं बढ़ जाना किसी मामले में, बल्कि तुमने अदल और एतदाल का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। अल्लाह ताला हमें अदल को उसके वसी माने में समझने की तौफीक अता फरमाए। और कोई भी माशरा अदल व इंसाफ के बगैर काम नहीं रह सकता। कोई अगर फ़र्ज़ करें ऐसा माशरा हो जहाँ ये गलत तय कर लिया जाए कि इसका ये हक है और इसका ये हक है, वो सही हक डिफाइन ना किया जाए लेकिन जो हक डिफाइन किया जाए फिर वो दिया जाए, बात समझ रहे फ़र्क। एक हक डिफाइन कर लिया किसी का, चाहे वो नहीं ठीक लेकिन वो फिर दिया जाए, वो माशरा चल जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा माशरा है कि जहाँ जो हक किसी का तय कर लिया जाए फिर वो भी उसे ना दिया जाए, वो माशरे फिर नहीं चलते, जुल्म पर माशरे नहीं चलते। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, और एहसान का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अब अदल तो ये है कि जिसका जो मकाम है, जिसका जितना हक बनता है वो उसे देना, एहसान क्या उससे एक साथ आगे बढ़ना, ये इस्लाम का इखलाकी लेवल कि हर बंदा ये सोचे कि
जी नहीं कि मैं थोड़ा सा खींच के रखूं कि मेरी तरफ हक ज्यादा आए, नहीं, बल्कि हर बंदा ये सोचे कि मेरा हक थोड़ा सा अगली तरफ निकले तो कोई मसला नहीं, और मैं अपने फराइज में ज्यादा तवज्जो करूं और अपने हकूक खींचने पर ज्यादा तवज्जो ना करूँ, दूसरे के ऊपर ज्यादा तवज्जो करूँ। अल्लाह ताला हमें ये करने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरा एहसान का मतलब बड़ा खूबसूरत है कि किसी भी मामले में बेस्ट की तलाश में जाना, एक्सीलेंसी की तरफ जाना। दुनिया का हर काम जब भी करने लगे तो बेस्ट से बेस्ट काम करना, अल्लाह ताला की इबादत भी ऐसे बेहतरीन अंदाज से करना कि गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो, नहीं तो कम से कम इतना तो हो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अल्लाह ताला हमें वो नसीब फरमाए। अगली चीज़ क्या है, वह इताए दिल कुर्बा और कराबतदारों को देते रहने का। अब क्या देते रहने का, कितना देते रहने का, वो सारा यहाँ जिक्र नहीं किया। यू नो बेटर, तुम्हें पूरा बताया हुआ है परमेश्वर ने और तुम्हें खुद पता है कि उनका क्या हक बनता है, तुमने क्या देना है। बस ये देन में रखो कि देना है। क्यों भला, दो सवाल होते हैं, एक होता है क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है, कहाँ देना है, ये सारी चीज़ें। एक देना भी है कि नहीं देना, ये अलग सवाल है। जब तक ये फैसला नहीं होगा कि देना भी है कि नहीं देना, तो बाकी सारी बात वैसे तो वैसे रह जाएंगी। फिर पहले ये डिसाइड कर लो कि तुमने कराबतदारों का हक उन्हें देना है, फिर कितना है कैसे है वो तुम खुद पूछ लोगे, फिर फोन कर करके मुफ्ती साहब को पूछ लोगे कि किसका कितना हक बनता है। तो वही ताई दिल कुर्बा और कराबतदारों को देने का। यहाँ कराबतदार भी लफ्ज बड़ा खूबसूरत है। किसी भी माशरे में किसी भी फर्ज से ये तो नहीं की जा सकती कि वो अपने किसी दूर के कोई जो लोग हैं उनका ख्याल रखे और उनके हक देता फिरे, जबकि अपने जो लोग हैं करीबी उनसे गाफिल हो जाए। आप इसकी मिसाल ऐसे समझे, इस हॉल की चार दीवारें हैं ना, और ये मेरे पीछे जो दीवार है फर्ज कहीं ईंटों की बनी हुई है, तो इसमें से किसी भी ईंट से आप ये तो नहीं कर सकते कि जो उस दीवार की ईंट से बड़ी मजबूती के साथ चिमट रहे। कर सकते हैं उससे तो, उससे तो यही है कि अपने इर्द गिर्द की ईंटों के साथ मजबूती के साथ चिमटेगी। हर ईंट अपने इर्द गिर्द की ईंटों के साथ, अपने करीबी ईंटों के साथ मजबूती से चिमटेगी तो ही पूरी दीवार मजबूत होगी। अगर वो अपनी करीबी ईंटों के साथ तो कमजोर उसका ताल्लुक हो और दूसरों के साथ वो मजबूत ताल्लुक बनाने की कोशिश करे, ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला हमें अपने कराबतदारों को प्राइमरी फोकस में रखने की तौफीक अता फरमाए। अगर हम हर जो फर्द है वो अपने कराबतदारों का ख्याल रखने की कोशिश करेगा तो माशरा सुधर जाएगा। तो इन्नल्लाह यअमुर बिल अदल वल इहसान व इताए दिल कुरबा, वो यनहा और मना करता है अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बग़्य। नंबर वन फहशा, नंबर टू मुनकर, बेहयाई से और बुरे कामों से। अब आप अंदाजा करें कि मुनकर के अंदर भी तो फहशी इंक्लूड ही है, लेकिन अल्लाह ताला ने फहशा को निकाल के सामने लेकर आए कि अल्लाह ताला ज्यादा फोकस करवाना चाह रहे हैं आपका मेरा फहशी पर। क्यों, ये एक ऐसी चीज है जिसके अल्लाह ताला ने करीब भी जाने से मना किया है। इसके तुम करीब भी जाओगे तो काम खराब हो जाएगा, फिर सीक्वेंस ऑफ इवेंट तेज होता चला जाएगा और तुम्हारे हाथ से गेम निकल जाएगी। अल्लाह ताला हमें दूर ही रोक लगाने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात क्या है कि फहाशी का हमने बड़ा एक महदूद सा तसव्वुर अपने ज़हन में कायम किया होता है, वो चंद चंद लिबास से मुतल्लिक चंद चीज़ें होती हैं, सिर्फ वो फहाशी होती हैं। ऐसी बात नहीं है, फहाशी बोलने में होती है, सुनने में होती है, चलने में होती है, बिहेवियर में होती है, इशारे में होती है, बैठने उठने में होती है, पूरी ज़िंदगी के हर गोशे में होती है। इसका बेहतरीन तर्जुमा इंग्लिश में क्या हो सकता है, इनडिसेंसी, इनडिसेंट बिहेवियर। एक होता है डिसेंट, एक होता है इनडिसेंट, जैसे देख के बंदा कह के यार ये क्या है। बाकायदा अरबी में फहाशी एक ऐसे एक्शन को कहते हैं कि जैसे देख के किसी की शक्ल बिगड़ जाए कि यार, ऐसे एक्शन को कहते हैं फहाशी। अल्लाह ताला हमें ऐसे बुरे काम के जो इनडिसेंट बिहेवियर है उससे बचने की तौफीक अता फरमाए, चाहे वो किसी भी सतह के हों। और फिर आगे फरमाया वल मुनकर और बुरे कामों से, जिसकी जिससे तबीयत इबाह करती है, जिससे तबीयत को खुद पता कि ये बुरे हैं। अभी मक्की कुरान है ना, और फिर मुनकर की एक डेफिनेशन भी सामने आ गई। मुनकर की डेफिनेशन क्या सामने आ गई कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि ये मुनकर है वो मुनकर है, क्योंकि सूरह आराफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुख्तलिफ खसूसियात आ रही थी उसमें से क्या खसूसियत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हुक्म देते हैं मारूफ का और मना करते हैं उनको मुनकर से। तो दूसरे अल्फाज में जिस जिस चीज़ का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं वो असल में मारूफ है, उस जिस जिस चीज़ से आप मना करते हैं वो असल में मुनकर है। तुम्हें मुनकर लगे ना लगे, है वो मुनकर, तुम्हारा अपना पैरामीटर खराब हुआ हुआ है। इसका मतलब है अगर मैं मीठा चीज मीठी चीज खाऊं और मुझे नमकीन लगे और मैं मुझे तो नमकीन है तो नहीं, मेरा टेस्ट खराब हुआ हुआ है। तो अगर मैं कोई मुनकर काम करके सोचूं नहीं नहीं मुनकर तो नहीं है, मेरे अंदर से तो कोई तबीयत मुझे कुछ नहीं कह रही, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है इसमें, नहीं नहीं इसका मतलब आपका ज़मीर ही मर गया हुआ है, आपके अंदर टेस्ट ही खत्म हो गया हुआ है। अल्लाह ताला हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। तो मुनकर वो है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। वल बग़्य और ज़ुल्म व ज़्यादती से, अल्लाह ताला के सामने भी बगावत से, सरकशी से अल्लाह ताला ने हमें रोका है, और आपस में भी एक दूसरे पर जुल्म और ज्यादती से अल्लाह ताला ने मना किया है। और अल्लाह ताला का जो हुक्म है उसके नीचे अल्लाह ताला जो दो इताअतें गिनाते हैं वो क्या है,
अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल की इताअत और फिर उलुल अम्र मिनकुम की इताअत। तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के सामने सरकशी और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के दायरे के अंदर अंदर अगर तुम उलुल अम्र मिनकुम के सामने भी सरकशी करते हो तो वो कोई सही रवैया नहीं है, उससे भी अल्लाह ताला तुम्हें मना करता है, इससे ज़मीन में फसाद बरपा होता है। तो रूल ऑफ लॉ जो है उसको समझना, कानून के सामने सर नीचे करना, ये बड़ी अहम चीज़ है अपने मफादात को कुर्बान करते हुए। अगर बंदा ये कि मैं नहीं किसी कानून को देखता, मैं नहीं किसी आयन को देखता, मुझे अपने मफादात अजीज़ है, ऐसे फिर माशरे कायम नहीं रहते। इस तरह तो एक घर कायम नहीं रहता, माशरे कहाँ कायम रह सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। यामुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताए ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकर वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, नसीहत करता है तुमको ताकि तुम याद रखो। व औफू बि अहदिल्लाह, फिर अहदिल्लाह आ गया। अल्लाह ताला बार बार इसको रिवाइज करते हैं, हर दूसरी सूरत में अल्लाह ताला आपके मेरे सामने ये लेकर आते हैं। वौफू बि अहदिल्लाह, और पूरा करो अहदुल्लाह को, अल्लाह से किए हुए और अल्लाह के नाम पर किए हुए अहद को। इज़ा आहदतुम, जब भी तुम अहद करो, वला तंकुदुल ईमाना, और मत तोड़ो कसमे, बाद तौकीदिहा, उनको पुख्ता करने के बाद। वक़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफीला, जबकि तुम अल्लाह को अपने ऊपर गवाह बना चुके होते हो। यहाँ ज्यादा खुल के बात आ गई अहदुल्लाह, कि तुम अल्लाह को गवाह बनाकर आपस में कोई अहद कर रहे होते हो, चाहे वो तुम निकाह का अहद करते हैं, हम अल्लाह को गवाह बना के कर रहे होते हैं, बहुत से माली मामलों में भी हम अल्लाह ताला को गवाह बना के कर रहे होते हैं, और फिर जब जितने भी रियासती इदारे हैं उनके अहदेदारान हैं, जब वो अपने अहदे संभालते हैं तो वो अहद करके ही तो संभालते हैं, अल्लाह के नाम पर आदिल नाज़िर जानकर मैं इसकी पाबंदी करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। तो वो सब कुछ करने के बाद अगर तुम उसे तोड़ दोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। इन्नल्लाह यअलमु मा तफ़अलून, बेशक अल्लाह जानता है उसको जो तुम करते हो। अब उसकी मिसाल दी जा रही है कि जब तुम अल्लाह के नाम पर अहद करते हो, आपस में कोई मामला मजबूत कर लेते हो, उसके बाद जब उसे तोड़ते हो तो उसकी मिसाल कैसे होती है। वला तकूनु कल्लती नक़दत गज़लहा, और ना हो जाना तुम सूरत की तरह जिसने अपने ही काटे हुए सूद को काट डाला। एक औरत हो, बड़ी मेहनत से उसने सूद काटा और बड़ा बुन बुन के उसने पूरा एक चीज बनाई हो, और फिर बाद में उसी को वो लेरो लेर कर दे तो कैसी अकलमंद होगी वो। मिन बादी कुव्वत अनकाता, यानी उसे मजबूत करने के बाद टुकड़े टुकड़े कर डाला उसे। تتخذون ايمانكم دخلا بينكم, अब होता क्या है जब अल्लाह के नाम पर किए हुए अहदों को तोड़ा जाता है तो उससे नतीजा क्या निकलता है, ये भी यहां जिक्र आ जाएगा। और क्यों तोड़ा जाता है आखिर, लोग क्यों अहद तोड़ते हैं, लोग अपने अहदों के साथ खयानत क्यों करते हैं। देखिए, تتخذون ايمانكم دخلا بينكم, कि बनाओ तुम अपनी कस्मों को हरबा मकर फरेब का आपस के मामला में। अन तकूना उम्मतुन हिया अरबा मिन उम्मता, कि एक ग्रोह तुम में से दूसरे ग्रोह से ज्यादा फायदे में हो जाए। तुम चाहते हो कि कानून की नजर में तुम सब अगर बराबर हो गए तो तुम सबको बराबर मौके मुयसर आएंगे। कानून होता क्या है, कानून असल में अमीर और गरीब, ताकतवर और कमजोर को बराबर मौके देने का नाम होता है। जब वो बराबर मौके नहीं दिए जाते, एक बंदा है वो कानून की सुनता नहीं है, दूसरा है वो उसको कानून के नाम पर रगड़ता है, अगर इस तरह किसी माशरे में चलेगा तो फिर तो माशरती तबकाती तकसीम पैदा हो जाएगी। अंतकून उम्मत नहीं अरबा मिन उम्मत, ताकि एक ग्रोह ज्यादा फायदे में हो जाए दूसरे ग्रोह से, चाहे वो माशी वसाइल पर काबिज हो जाए, चाहे वो सियासी वसाइल पर काबिज हो जाए। सियासी वसाइल भी होते हैं ना, सियासी वसाइल क्या होते हैं, जो मुख्तलिफ अहदे हैं, मुख्तलिफ इदारों की सरबराही है, मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, ये सारे वसाइल है ना एक लिहाज से। ये भी अल्लाह ताला ने तमाम अवाम के लिए रखे थे, अवाम उन्नास का बुनियादी हक था। तो अगर कोई इस पर काबिज हो जाता है और कोई नहीं देखता कि कौन सी कसम थी, वादे कौन सा कुरान हदीस होते हैं, अगर बंदा इस हद तक चला जाए फिर यही हालत होती है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर तबकाती तकसीम पैदा होती है जो कि जड़ के खिलाफ है इस्लाम के। इस्लाम का तो मकसद ही ये कि अल्लाह एक हाकिम है, अल्लाह एक खालिक है, अल्लाह एक मालिक है, तुम सब उसके बंदे हो, बराबर हो, लाइन में खड़े हो जाओ। कमाल है वो अल्फाज जो हजरत अम्मार ने बोले, हजरत जैद ने बोले अबू सुफियान के सामने, जब उन्होंने इनिशियल जमाने में जब उनको पकड़ा और कहा कि अरे सुने तुम भी ईमान लेकर आए हो, क्या दावत है तुम्हारी, जे वो, और सुने हमने के जो गुलाम और हम बराबर होते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, हमारे अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह के सारे बंदे बराबर होते हैं, ऐसे जैसा कंगी के दंदाने बराबर होते हैं ना सारे, इस तरह अल्लाह ताला की नज़र में सब बराबर होते हैं। जी ये इस्लाम का बुनियादी मकसद, अगर ये ना हो, ऊंच नीच माशरे में आ जाए तो फिर कौन सा इस्लाम रह गया पीछे। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। इन्नमा यब्लुकुमुल्लाह बिह, हकीकत यह है कि अल्लाह तुम्हें इस अहद व पैमान से आजमाइश में डालता है। वला युबयिनन लकुम यौमल क़ियामा, और जरूर खोल देगा तुम पर रोज़े क़ियामत, मा कुंतु फी तख़्तलिफून, उन बातों की हकीकत जिसमें तुम इख़्तिलाफ़ करते थे। वलौ शाअ अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता लजअलकुम उम्मतन वाहिदा,
तो वो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता और तुम्हें कोई इख्तलाफ ना होता। वलाकिन दिल में यशा व यहदी में यशा, मगर वो जिसे चाहे गुमराही में डालता है, जिसे चाहे राह रास्त दिखाता है। वलतुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तअमलून, और ज़रूर तुमसे बासपुरस होकर रहेगी उन अमाल की जो तुम करते रहे। वला तत्तखिदु अयमानकुम दखलन बैनकुम, फिर बताया जा रहा, और ना बनाना तुम अपनी कस्मों को एक दूसरे को धोखा देने का जरिया। अब देखिए मुशरिकीन और यहूदी, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहदा किए ना, और मुआहदे करके वक्ती तौर पे जब उन्हें सूट करता था कि हम अमन से रहें, उन्होंने अमन से रहे। जब उन्हें मौका मिला तो पीठ में खंजर घूमने की कोशिश की, ये उन्होंने तो किया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने क्या किया कि उन्होंने उन मुआहदात को सीरियस लिया और वो मुआहदात नहीं तोड़े। तो जो बंदा मुआहदात की और अपनी कस्मों की बिल्कुल परवाह ना करे, बेपरवाह होकर जिंदगी गुजारे, और दूसरा है जो उनका ख्याल रखे, ये बराबर नहीं है। अब वो उन लोगों को जो तोड़ते हैं अपनी कस्में और अहद, उनको क्या कहा जा रहा है, फतजिल्ल कदम बाद थुबूतिहा, इस तरह के कदम जमने के बाद भी लड़खड़ा जाए। अब इसकी भी मुख्तलिफ डायमेंशन है। एक तो है कि जो मुसलमान इस्लाम कबूल कर लेते हैं, अब वो जो अहले किताब है सब उनको बरगलाने के लिए जुटी जुटी कस्में आके खाते हैं कि नहीं नहीं ये तो अल्लाह के रसूल नहीं है, ऐसे हैं वैसे हैं, ताकि इनका ईमान भी डावाडोल हो जाए। और उसी तरह के काम जो सूरत आले इमरान में हमने पढ़े कि सुबह इस्लाम लेकर आओ और रात को फिर काफिर हो जाना, इस तरह की हरकतें भी वो करते रहे। इसके अलावा भी सबात कायम हो जाए, अमन अमान कायम हो जाए किसी माशरे के अंदर, वो कब होता है, जिस तरह मिसाके मदीना हुआ तो मदीने के अंदर अमन अमान कायम हो गया ना। जब अल्लाह के नाम पर कस्में और वादे तोड़े जाते हैं तो फिर उसके नतज क्या निकलते हैं, वतदूक सूआ, और चखना पड़े तुमको बुरे नतज का मजा, बीमा सदा तुम अनसबीला, इस बिना पर कि तुमने अल्लाह की राह से रोका था, वलकुम अदाबुन अदीम, और तुमको बहुत बड़ा अजाब मिले। ये जो आयात है ना, ये मुश्किलातुल कुरान में से है, कुछ इसकी मल्टीपल इसकी डायमेंशन और मल्टीपल इसकी तशरीहात है। वक्त की कमी की वजह से मैं सिर्फ उसको मुख्तसर लेके चल रहा हूँ। हो सकता है एक आधी तशरीह आपके जहन में हो जो मैंने यहाँ बयान न की हो, तो ऐसा नहीं है कि वो सारी अगर यहाँ बयान की जाए तो वो दरस कुरान का मौजू होता है, दौरातुल कुरान में आप कंटिन्यूसली निकलते हैं आगे। वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि थमनन क़लीला, और न बेच डालो तुम अल्लाह के अहद को हकीर मुआवजे के बदले। अल्लाह के अहद के ऊपर जे जो मुकाम है नस्ल नहल का, जे रुकू जे पीक पर है, पहले उसकी अदल की बात आई, फिर अल्लाह के अहद को तोड़ना नहीं, उससे जो नतीजा निकलेगा तुम इसलिए तोड़ते हो, तुम ये करते हो, सारी बातें आ रही। यहाँ फिर एक और फैक्टर आ रहा है कि तुम ये जो अल्लाह के नाम पर किया हुआ अहद या अल्लाह से किया हुआ वादा जब तुम तोड़ते हो तो आखिर क्यों, किस मफाद के तहत, इस हकीर मफाद के तहत, दुनिया के मफाद के तहत, आरजी मफाद के तहत, तमनन कलीला हकीर मुआवजे के बदले। इन्नमा इंदल्लाहि हुवा खैर, यकीनन वो जो अल्लाह के पास है वही बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून अगर तुम जानो, मा इंदकुम यनफदु मा इंदल्लाहि बाक, जो कुछ तुम्हारे पास है खत्म हो जाएगा, जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। तुम्हारे पास चाहे तुम्हारा इख्तदार हो, तुम्हारी हुकूमत हो, तुम्हारी सरबराही हो, तुम्हारा माल दौलत हो, जो भी हो, सब खत्म हो जाना, और तुमने खुद खत्म हो जाना, तो इन चीज़ों ने तो रह के क्या करना, तुमने खुद ही खत्म हो जाना। जबकि अल्लाह है जो बाकी रहने वाला है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। वला नजज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम, जरूर देकर रहेंगे हम उनको जिन्होंने सबर से काम लिया उनका अजर। अब यहाँ सबर इस्तकामत के माने में अगर देखें तो वो अपने अहद पर, अपने कस्मों पर उन्होंने साबित कदमी दिखाई, अगलों ने उनके साथ ज्यादती भी करना चाही तो मुसलमानों ने कभी भी अहद की खिलाफ वर्जी नहीं की, अल्लाह ताला उनको उसका अजर देगा। भी अक्सर ही मकान या मलून, कहीं बेहतरों नमाज से जो वो करते रहे, मन आमिल सालिहा मिन ज़करिन अव उन्था, जो कोई नेक अमल करेगा खाओ मर्द हो खाओ औरत हो, वह मोमिनुन, बशर्ते कि वो मोमिन हो, फलनुहयिनहु हयातन तय्यिबा, तो जरूर बसर कराएंगे हम उसे दुनिया में भी एक ऐसी जिंदगी की बहुत ही पाकिजा और अच्छी जिंदगी होगी। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और हम जरूर बदले में देंगे उन्हें आखिरत में भी उनका अजर कहीं बेहतर उन अमाल से जो वो करते रहे, जितना उन्होंने अमल किया उतना नहीं, उससे कहीं बेहतर हम उन्हें देंगे। फैदा करातल कुरान, फिर जब पढ़ने लगो तुम कुरान, फस्ताइज़ बिल्लाह, तो अल्लाह की पनाह मांग लिया करो, मिन शैतान रजीम, शैतान मर्दूद से, अल्लाह की हिफाजत में आ जाया करो, अल्लाह ताला की हिफाजत के किले में आ जाया करो, अल्लाह ताला के साथ चिमट जाया करो। इस्ताइज़ का खूबसूरत तर्जमा जो मुफरदातुल कुरान में लिखा वो ये कि चिमट जाना, तो अल्लाह ताला के साथ चिमट जाया करो शैतान मर्दूद से पनाह मांगते हुए। हमारे उर्दू के मुहावरे में पनाह का जो लफ्ज है ना, ये थोड़ा सा जरा मुश्किल से समझ में आता है कि पनाह किससे मांगनी है, किसकी मांगनी है, तो बाद का जो इतना आम फहम नहीं रहता, तो इसलिए इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि शैतान मर्दूद के खिलाफ अल्लाह ताला की पनाह में आ जाया करो, तो जरा आम फहम हो जाता है। इन्नहु लैस लहु सुल्तानुन, वाकिया ये है कि उसे कोई अख्तियार नहीं है, अलल्लज़ीना आमनू, उन लोगों पर जो ईमान वाले हैं, वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने रब पर भरोसा करते हैं।
इन्नमा सुल्तानुहु, उसका जोर तो चलता है बस अलल्लज़ीना, उन्हीं लोगों पर, यतवल्लौनहु, जो उसे अपना सरपरस्त बनाते हैं, जो उसे अपना बड़ा बनाते हैं। शैतान कभी कुरान में आता है कि वरगलाता है, फिर कभी आता है कि हुक्म देता है। ये दो चीज़ों में फ़र्क क्या होता है कि शैतान पहले वरगलाता है, जो उसकी बात नहीं सुनता चटक देता है, औज़बिल्लाह पढ़ के आगे अपने रास्ते पर चलता है, शैतान अगली दफ़ा फिर उसे सिर्फ वरगलाता ही है, उसकी शैतान की पावर इधर तक ही रहती है। लेकिन जो उसके वरगलाने पर उसके पीछे चल पड़े, उसको अपना बड़ा सरपरस्त बना ले, फिर शैतान उसका वाली वारस हो जाता है, फिर शैतान उसे हुक्म देता है और फिर वो करता है, फिर वो शैतान का सही एजेंट बन जाता है एक लिहाज से। उसे खुद पता नहीं होता, लेकिन वो उसकी मैनिफेस्टेशन वाला कैसे होती है कि वो किसी बुराई का, किसी जुर्म का ऐसा आदि हो जाता है कि वो कहता है मैं तो जब छोड़ ही नहीं सकता, ये तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं रही। अब उसका वो अपना कंट्रोल उठा के शैतान के वाले दे देता है उसको, फिर आप मेरा रिमोट पकड़ लें, जैसे जैसे आप करेंगे मैं वैसे वैसे करूँगा। वो खुद उसको अपना सरपरस्त बनाता है, तो उसका तो जोर चलता है उन पर जो खुद उसे सरपरस्त बनाते हैं, वल्लज़ीन हुम बिही मुशरिकून, और उन लोगों पर जो उसके बहकाने से शिर्क करते हैं, बहकाने से शिर्क करने लगते हैं। वो इधर बदलना आया तो मकान आया, और जब हम एक आयत को दूसरी आयत की जगह बदलते हैं, अभी वही नासिख और मनसूख वाला मामला जैसे बकरा में आया था, तो अल्लाह आलम बिमा युनज़्ज़िल, और हालांकि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो क्या नाजिल करे, कब क्या नाजिल करे, कब किसको मनसूख करके फिर क्या नाजिल करे, अल्लाह बेहतर जानता है। कालू तो ये कहते हैं इनमा अंतम उत्तर के, बस तुम तो इसको खुद ही गढ़ लेते हो, बल अख्तर हम ला यालमून, दरअसल अक्सर लोग इनमें से हकीकत से बेखबर है। कुल इनसे कहिए नज़लहु रूहुल कुदस, नाजिल किया उसे रूहुल कुदस ने, मिन रब्बिका बिल हक, आपके रब की तरफ से हक हक, लियुसब्बितल लदीना आमनू, ताकि साबित कदम रखे ईमान वालों को। तो कुरान के नाजिल होने का एक अहम मकसद क्या है, ईमान वालों को साबित कदम रखे। तो अगर हमें महसूस हो कि यार दिल तो बड़ा करता है नेकी का, बुराई से बचने का भी दिल बड़ा करता है, लेकिन क्या करें फिर फिसल जाते हैं, तो उसका असल अल्लाह ताला ने आपके मेरे लिए क्या शिफा क्या उतारी है उसकी, ये कुरान इसके जरिए, जब कुरान मजीद और अहले कुरान की महफिलें ये हैं जो फिर आपको साबित कदम रखती हैं, अल्लाह ताला आपको मुझे साबित कदम रखे। लियुसब्बित अल्लज़ीना आमनू वहुदं वबुशरा लिलमुस्लिमीन, और हदायत और बिशारत है फरमाबरदारों के लिए। वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलून, और हम खूब जानते हैं कि वो ज़रूर कहेंगे, इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, कि दरहक़ीक़त इन्हें तो एक आदमी सिखाता है। लिसानुल्लज़ी युल्हिदूना, हालांकि उस शख्स की ज़ुबान जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं, इलैही, जिसकी तरफ, अजमीउन, अजमी है, वहादा लिसानुन अरबीउन मुबीन, जबकि इस कुरान की ज़ुबान तो अरबी है बड़ी फसीह। अब जो इल्ज़ाम लगाने वाले इल्ज़ाम ये लगाते हैं, देखे जी ये इन्होंने ना कोई अजमी ग़ुलाम छुपा के रखा हो, उससे सारी बातें सुनते हैं। और एक अजमी ग़ुलाम था जो कुछ ना अहले किताब से के कुछ ना कुछ इल्म उसको पुरानी चीज़ों का कुछ था, आप की पहले उससे दोस्ती रही थी। अब वो इल्ज़ाम ये लगाते थे कि आप ने सारा इससे सीखा है, ये जो दोस्ती थी इनकी उससे। इसी तरह आपको पता है आज जो नए मुस्तशरीकिन आए हैं, वो आप की बचपन में जो बहरा राहब से मुलाकात हुई है, कितनी एक छोटी सी एक मुलाकात रही कि फिर आपने देखा और एक बशारत दी और कहा कि इनको वापस भेज दें, इतनी मुलाकात है। और साबित करने वाले भी आप देखें कैसी, कोई कोई जैसे कहते हैं कोई बुनियाद होनी चाहिए किसी बात की भी, लेकिन जब बंदे ने झूठ बोलना हो तो झूठ के फिर कोई पाव होते ही नहीं, वो उल्टा बुहरा राहब के सिरे सारा डाल देंगे सारा। तो आप सुनने सारा इतने साल बाद, इतनी उम्र के बाद, जो आप सुनने 23 साल मुसलसल जो कुरान नाजिल होता रहा, उसमें पुराने कौमों के वाकयात आते रहे, ये सारे असल में वो जो बुहरा राहब से मुलाकात हुई थी ना उससे सीखा हुआ था। मतलब बंदे बंदे ने इल्ज़ाम भी लगाना हो कोई, तो कोई ना कोई उसकी बुनियाद हो, लेकिन ये इस तरह की बेवकूफ़ों वाले इल्ज़ाम लगाते हैं कि जिस शख्स के बारे में ये कह रहे हैं उसकी ज़बान तो अजमी है, जबकि जी कुरान तो फसी अरबी में है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लिखना पढ़ना जानते नहीं, तो बताओ अब ये कहाँ से आया, कोई और लॉजिक हो सकती है इसकी। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह, हकीकत यह है कि जो लोग अल्लाह की आयत पर ईमान नहीं लाते, वला यहदीहुमुल्लाह, अल्लाह उन्हें हिदायत नहीं देता, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इन्नमा यफ्तरी कज़ीब, हकीकत यह है कि झूठ गढ़ते हैं, अल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह की आयत पर ईमान नहीं लाते, औलाइका हुमुल काज़िबून, यही लोग झूठे हैं। मन कफर बिल्लाह मिन बाद ईमानिही, और जिसने कुफर किया अल्लाह के साथ ईमान लाने के बाद, उसकी बड़ी सख्त सज़ा है। लेकिन इल्ला मन उकरिहा, सवाए उस शख्स के जो मजबूर कर दिया गया हो, वो कल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, और उसका दिल ईमान पर मुतमइन हो, उसको अल्लाह ताला कुछ नहीं कहेंगे। वलाकिन मन शरह बिल कुफ्र सदरा, इसके बरस जिसने दिल की रजामंदी से कुफर को कबूल कर लिया, फअलैहिम ग़ज़बुन मिन अल्लाह, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का ग़ज़ब है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। यह आयत बड़ी खास है, जब हज़रत बिलाल पर ज़ुल्म हो रहा था बड़ा शदीद, दूसरी तरफ
हज़रत अम्मार, हज़रत यासिर, हज़रत सुमैया, उन तीनों पूरी फैमिली पर भी बड़ा शदीद ज़ुल्म हो रहा था। अब क्या हुआ कि हज़रत सुमैया को शहीद कर दिया गया, हज़रत यासिर जो है वो भी फोत हो गए, उनकी गम में भी और मार इतनी खाई और बूढ़े भी बहुत बहुत बूढ़े थे और वो भी शहीद हो गए। पहली शहीद खातून जो है वो सुमैया और पहले शहीद जो है वो यासिर। कंटिन्यूस कई दिन तक तपती धूप में अबू जहल ने इनको मारा था और अबू जहल और उमैया बिन खल्फ असल में एक दूसरे से रेस लगा रहे थे कि देखते हैं कौन ज़्यादा मार के जो है ना वो दिखाता लोगों को, और रोज़ साबित करते थे कि मैंने आज ज़्यादा उन्हें मारा, वो कहते थे मैंने आज ज़्यादा उन्हें मारा है। और इन दोनों की रेस इस पर थी कि हमने मजबूर करके इनके ज़ुबान से कलमे कुफर जो है ना वो निकलवाना। अब वो दोनों जब शहीद हो गए, उधर पीछे सिर्फ अकेले हज़रत अम्मार बच गए और इधर अकेले हज़रत बिलाल थे जो अब तक डटे हुए थे। तब आप अंदाज़ा करें कि जब ये आयत नाजिल हुई कि अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी कि अगर कोई जान बचाने के लिए करता है तो उसका मामला डिफरेंट है, उसे अपनी जान बचाने के लिए अगर कलमे कुफर क्या है कि अपनी जान छुड़ानी पड़ती है तो वो जान बचा सकता है अपनी। ये अल्लाह ताला का रहम है इंसानों पर, अल्लाह ताला का करम है इंसानों पर, अपने बंदों पर। तो हज़रत अम्मार जो थे उनके जब वालिद और वालदा दोनों शहीद हो गए तो वो दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने अबू जहल के पूरे प्रेशर में, इतना उस बदबخت ने प्रेशर डाला, इतना प्रेशर डाला और लोहे गर्म कर करके उनको दहकाता था कि उन्होंने मजबूरन जैसे ही कलमा कुफर उनकी ज़ुबान से निकला तो उसने छोड़ के तो खुशी से दौड़ता हुआ अबू जहल बाहर चला गया कि देखो जी देखो मैं जीत गया, उमैया से मैं जीत गया। और जो हज़रत अम्मार थे वो रोते हुए सर पीटते हुए मिट्टी सर में डालते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़े कि यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे से गलती हो गई, मेरा दिल नहीं था, मैं अपने पर काबू ना रख पाया, मैं फिसल गया। और दौड़ते हुए आए, रस्ते में हज़रत बकर उन्हें मिले, उन्होंने क्या 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 हो गया, उन्होंने बताया कि बकर मैं अपने ऊपर काबू ना रख पाया, मुझे फ़ौरन ले चलो, मैं जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम नहीं चूमूंगा मुझे सुकून नहीं आएगा। और फिर फौरन से वो आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम चूमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन्हें तसल्ली दी, हज़रत बकर ने भी तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने कहा है, कोई मसला नहीं। लेकिन आप अंदाज़ा करें एक अहले ईमान के लिए, एक बंदे मोमिन के लिए जो थोड़ी बड़ी सजा होती है खुद इंटरनली कि उसको इस हद तक मजबूर कर दिया जाए कि वो कलमा कुफर कहने पर मजबूर हो जाए, ये बहुत बड़ा उनके लिए इम्तिहान और आजमाइश थी, बहुत बड़ी उनके ऊपर एक मुसीबत की बात थी। दूसरी तरफ हज़रत बिलाल क्या उनका लेवल था कि उमैया जो है वो उनको कहता था कान में कि तुम्हें पता नहीं आयत आ गई है तुम्हारे कुरान में झूठ मूठ का कलमा कुफर कहा जा सकता है, तुम झूठ मूठ का ही कलमा कुफर कह दो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, आजाद भी कर दूंगा तुम्हें, मैंने तुम्हें कहता सच्चे दिल से तुम कलमा कुफर को झूठ मूठ नहीं कह दो, बता के बस सारों को एक दफा पता चले कि मैंने कह दिया, अबू जहल ने अपने गुलाम को मनवाया है तो कहीं मैं हार ना जाऊं, कोई झूठ मूठ का ही कह दो। हजरत बिलाल आगे से कहते क्या कह रहे हो मुझे समझ नहीं लग रही तुम्हारी, और फिर बात करता कहते मुझे समझ नहीं लग रही, और फिर आगे से कहते अहद उन अहद, फिर कहता था जब उनका मालिक कहते हैं मेरे जुबान पे ना कलमा कुफर आता नहीं, कैसे कहते हैं, उमैया कह के दिखाता था, कहते मेरे से कहा नहीं जा रहा, और फिर थोड़े बाद अहद उन अहद कहते थे, उनका सरदार उन्होंने उमैया कहता था अहद उन अहद तुमसे कहा जाता है, नहीं कहा जाता तुमसे, कहा नहीं तुम मुझे समझ नहीं लग रही तुम्हारी बात, मुझे कैसे मैं कह सकता हूँ, मैं नहीं कह सकता। जब उसने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया कि तुम कह दो, लोगों को क्या पता कि तुम झूठा कह रहे हो, तुम झूठ मूठ का कह दो, कहते नहीं तो मसला लोगों को क्या पता कि मैं झूठ का कह रहा हूँ, लोगों ने अगर समझ लिया कि मैंने सच का कहा है मैं क्या जवाब दूंगा, लगो मैं तो नहीं कहूंगा भाई ना, मैं तो तुम्हें डट के दिखाऊंगा कर लो तुमने जो करना है। मैं अक्सर अपने आप से पूछता हूँ, आप भी जरा गौर करें, अगर हजरत बिलाल इतना कह देते तो क्या वो साबी ना रहते, रहते उन्हें जन्नत ना मिलती, मिलती, क्या ख्याल है। लेकिन बात उनकी अब जन्नत से आगे निकल गई थी, अब उनकी बात जन्नत के सौदे पे नहीं है, अब बात वहां से आगे निकल गई, अब हक की गैरत का मसला है, अल्लाह ताला हमें ये गैरत नसीब फरमाए। अब वो इस सौदे से आगे निकल गए थे, अल्लाह ताला कुछ ना कुछ लोग ऐसे पैदा फरमाए जो जमाने के राहबर हों, हर एक में इतनी हिम्मत नहीं होती लेकिन अल्लाह ताला किसी ना किसी को ऐसी हिम्मत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए। ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا। और आजकल तो छोटी छोटी चीज़ों पर जे लिखवा लो, इधर से ऐसे लिखवा लो ताकि ऐसे हो जाए, बाहर के मुल्कों में जाके लोग क्या क्या कुछ नहीं करते, अब तो खुद अपने मुल्क में भी हम जो है वो किसी किस हद तक नीचे गिर जाते हैं, अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक अता फरमाए थोड़ी छोटी छोटी लालचों की वजह से। ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, ये इसलिए कि उन्होंने दुनिया की जिंदगी को पसंद कर लिया, अल आखिरा आखिरत के मुकाबले में, वअन्ना اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, और यकीनन अल्लाह निजात की राह नहीं दिखाता उन लोगों को जो हक का इनकार करते हैं।
उलाइक अल्लज़ीना तबअल्लाहु अला कुलूबिहिम, यही वो लोग हैं कि उनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मुहर कर दी है, असमईहिम व अबसारिहिम, और कानों पर और आंखों पर। लेकिन लोगों का जिक्र हो रहा है जो इंशराह सदर के साथ कुफर करते हैं, ईमान के बाद मुर्तद हो जाते हैं। उलाइक हुमुल गाफिलून, यही लोग हैं जो गफलत में डूबे हुए हैं। ला जरम अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल खासिरून, लाजिमन यही लोग आखिरत में खसारे में रहने वाले होंगे। ثم ان ربك للذين هاجروا, बखिलाफ इसके कि यकीनन तेरा रब उन लोगों के हक में जिन्होंने हिजरत की, मिन बाद मा फतिनु, इसके बाद के वो आजमाइश में डाले गए। फिर हजरत अम्मार ने हिजरत भी की ना हबशा की तरफ। ثم جاهدوا وصبروا, फिर उन्होंने जिहाद किया और साबित कदम रहे, डटे रहे। इन रब्बक मिन बादिहा लगफुर रहीम, बेशक तेरा रब इन सब आजमाइशों के बाद वाकई बख्शने वाला और रहम करने वाला है। आजमाइशों से इंसान गुजरते हैं, फिर अल्लाह ताला की मगफरत और रहमत उसे मिलती है। यूं बताती कुल नफ्सिन, उनका इन सब का फैसला उस दिन होगा जिस दिन हर नफ्स आएगा, तुजादिलु अन नफ्सिहा, अपने बचाव की कोशिश करता हुआ, वतुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन, और पूरा पूरा बदला दिया जाएगा हर नफ्स को, मा आमिलत, उसके आमाल का, वह हुम ला युज़लमून, और उनमें से किसी पर ज़ुल्म नहीं किया जाएगा। वदरबल्लाहु मसलन क़रियतन, अब पीछे अल्लाह ताला ने लोगों की मिसाल दी थी ना, अफराद की मिसाल दी थी आज के सबक के शुरू में, अब अल्लाह ताला एक बस्ती की मिसाल दे रहे हैं। वदरबल्लाहु मसलन क़रियतन, और अल्लाह ताला मिसाल बयान करता है एक बस्ती की, कानत आमिनतन मुतमईनतन, जो अमन और इत्मीनान वाली थी, या तिहा रिस्कुहा रगदा, उन्हें उनका रिस्क बाफरागत पहुँचता था, मिन कुल्ली मकान, इन हर जगह से। अल्लाह ताला ने एक बस्ती रखी थी ऐसी, अल्लाह ताला ने कौन सी बस्ती थी, किसका जिक्र उससे ना पढ़े आप जी, इस कैफियत को समझे कि एक बस्ती थी, उसके ऊपर अल्लाह ताला का इनाम था, अल्लाह ताला ने उसे गैबी मदद से उसे नवाजा था, उसको कायम ही अल्लाह ताला ने अपनी गैबी मदद से किया था, उसको सारा रिज़्क, उसको अमन, उसको इत्मीनान, उसको सारी मदद अल्लाह ताला ने अपनी गैबी मदद से उसको नवाजा था। फकफरत बिअनअमिल्लाह, फिर ना शुक्री की उन लोगों ने अल्लाह की नेमतों की। फ़ज़ाक़हुल्लाहु लिबासल जुई वल खौफ, तो चखाया उन्हें अल्लाह ने भूख और खौफ का मजा, बिमा कानू यसनऊन, उन करतूतों की वजह से जो वो करते थे। अल्लाह ताला हमें बहसियत फर्द भी सुधरने की तौफीक अता फरमाए, जो पीछे मिसालें आई थी, और बहसियत बस्ती भी, बहसियत एक मुल्क भी, अल्लाह ताला हमें सुधरने की तौफीक अता फरमाए। हर जिस तरह जब किसी फर्द की मिसाल आए तो हमें अपना अपने आप को देखना चाहिए ना उस आयने में, तो ये भी एक बस्ती के लिए आयना है, हमें भी अपनी बस्ती को इस आईने में देखने की जरूरत है कि क्या ऐसा नहीं था कि अल्लाह ताला ने हमें नवाजा था, हमारे बड़ा अमन अमान होता था, बड़ी एक फजा थी, शुरू शुरू में बड़ी हम तरक्की कर रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि सब वीरानियां आ गई और अब हालत यहाँ तक पहुंचे। वलकद जाअहुम रसूलुन मिनहुम, यकीनन आए उनके पास एक रसूल उन्हीं में से, फकज़्ज़बूहु, लेकिन उन्होंने उसे जुटला दिया। और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत लेकर उठने वाले हर दौर में, हर जमाने में, हर जगह अल्लाह ताला भेजते रहते हैं, अल्लाह ताला तौफीक देते रहते हैं कुछ ना कुछ लोगों को कि वो खड़े होकर रसूल की दावत दें लोगों को। फअखदहुमुल अज़ाब, तो जब उन्होंने झुटलाया उन्हें तो आप पकड़ा उन्हें अज़ाब ने, वहुम ज़ालिमून, इस बिना पर के वो ज़ालिम थे। फकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, अब ये मिसाल दे के अब कहा जा रहा है कि कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, खाओ तुम उसमें से जो रिज़्क़ हमने तुम्हें दिया है, जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है हलाल और पकीजा। वशकुरू नियमतुल्लाह, और अल्लाह की नियमतों का शुक्र अदा करो, उस बस्ती वालों की तरह न शुक्र ना हो ना, नहीं तो फिर वही हालत हो जाएगी। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम वाकई उसी की इबादत और गुलामी करते हो। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता वद्दमा, हकीकत यह कि उसने तो बस हराम किया तुम पर मुर्दार और खून, वलहमल खंजीर, और सूअर का गोश्त, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिह, और हर वो चीज़ जिस पर गैरुल्लाह का नाम पुकारा जाए। फमन इस्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन, तो जो कोई मजबूर कर दिया जाए जबकि वो सरकश भी ना हो और हाथ से पड़ने वाला भी ना हो, यानी कि वो जब मजबूर हो गया और अब एक हराम चीज़ उसे जान बचाने के लिए लेनी पड़ रही है तो वो अंदर से खुशी ना महसूस कर रहा हो कि चलो अच्छा है आज टेस्ट करने का मौका ही मिल जाएगा, ना ना, अल्लाह जानता है कि ये क्या फील कर रहा है, ये वाकई मजबूरी की कैफियत में मजबूरी फील कर रहा है या फील कर रहा है कि चलो अच्छा है। याद है ना मैंने जब कहा था कि सूरत तौबा में गज़वत तबूक के मौके पर जब आप ने पुकार लगाई तो पीछे दो बीमार हैं, एक सोच रहा है कि यार अच्छा है आज मैं बीमार हो गया मुझे निकलना नहीं पड़ा, और दूसरा सोच रहा है कि यार मैं आज भी बीमार होना से अल्लाह तेरे रसूल ने बुलाया थे आज भी मुझे बीमारी होने से। अल्लाह दोनों की कैफियत को जानता है, अल्लाह तो दिनों के हाल तक से वाकिफ है, तो फमन तुर्रा गैरा बागिन, सरकशी का इरादा उसका ना हो, वाला आदिन, और ना हद से बढ़ने वाला हो कि जान बचाने के लिए जितना ज़रूरी है उससे ज़रा और ले। फ़इन्नल्लाहा गफूर रहीम, तो बेशक अल्लाह माफ़ फरमाने वाला रहम करने वाला है।
वला तकुलू, और न कह दिया करो तुम लिमा तसिफु असिनतुकुम, ऐसे ही जो तुम्हारी जुबानों पे आ जाए। अल कदिबा, झूठ मूठी, हादा हलाल हादा हराम, जे लाल है जे हराम है, ऐसे ना कह दिया करो। अब जी मुश्रिकीन मक्का को तो कहा जा रहा है कि हलाल हराम का अख्तियार अल्लाह का है, तुम ना कहा करो। ये बिलखसूस आपको मुझे भी कहा जा रहा है, बिलखसूस जब हम कुरानीत पढ़ने पढ़ाने वाले हो जाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में अगर मैं कहूँ कि मौलवी हो जाते हैं, तब फिर बड़ा मुश्किल काम होता है जब कोई बंदा हमसे कोई बात पूछता है या हमारी बात को कोई वेटर्स देने लग जाता है, खाम खा ये लाल हराम के फतवे शुरू कर देना, नहीं ये तुम्हारा काम नहीं है। इसीलिए जो दाई होता है, जो वाइज होता है, उसको भी हलाल हराम और हराम और फर्ज ऐन इस तरह के अल्फाज की बजाय ये काम ज़रूरी है, ये काम अच्छा नहीं है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है, ये अल्फाज ज़्यादा मुनासिब अल्फाज होते हैं, एक सेफ अल्फाज होते हैं। तो हादा हलाल हादा हराम ना अपनी ज़ुबान पर जो आए कह दरा करो लिस्तर कदीब, ताकि तुम अल्लाह पर झूठ का बहतान मान दो। इन लदीनाफ्तरूनदीब, बेशक वो लोग जो अल्लाह पर झूठ का बहतान मानते हैं, लाफ़लिहून, वो हर की सलाह नहीं पाएंगे। मताउन कलील, झूठ का फ़ायदा तो थोड़ा सा होता है, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। वाले लदीन हादू, और उन लोगों पर भी जो यहूदी कहलाए, हर्रमना, हमने हराम किया था, मा कससना अलैक मिन क़ब्ल, वो सब कुछ जो आपके लिए इससे पहले बयान किया है, पीछे चीज़ें बयान किए ना, ये सब कुछ हमने उन पर भी हराम किया था। ममा ज़लमनाहुम, और हमने उन पर ज़ुल्म नहीं किया था, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि वो खुद ही अपने ऊपर ज़ुल्म करते रहे। थुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीन आमिलू सू, फिर भी बेशक तेरा रब उन लोगों के लिए जो कोई बुराई कर गुजरते हैं, बिजहालतिन, नादानी में, जज्बात में बहकर, थुम्मा ताबू मिन बादि ज़ालिका, फिर इसके बाद फिर तौबा कर लेते हैं, वह असलहू, और अपनी इसलाह कर लेते हैं, इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफुर रहीम, तो बेशक तेरा रब इस सब के बाद भी गफुर रहीम है। इन्ना इब्राहिम कान उम्मतन, अब सारी नेमतों का जिक्र हुआ है, शुक्र करना ना शुक्रिया करना, वो एक बंदा जिसे अल्लाह ताला ने दिया और वो दूसरों को दे रहा है, वो बड़ा आला बंदा है, और जो दूसरा जो दूसरे का गुलाम बना फिर रहा है, दूसरे का मोहताज बना फिर रहा है, ये दोनों बराबर थोड़ी हैं। इस तरह की मिसालें देने के बाद फिर एक बस्ती थी, उसने ना शुक्री की तो उसको अल्लाह ताला ने पीस दिया, तुम भी एक बस्ती हो, तुम्हें दे रहे हैं, तुम ना शुक्रिया ना करना, ये सारी बातें करके अब आखिर में जिक्र आ गया शुक्र गुजार बंदे का। इन इब्राहिम का नमतन, वाकई ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो अपनी ज़ात में ही पूरी एक उम्मत था, क्या बात है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हर नबी की उम्मत, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ात में ही एक उम्मत है। अब यूँ समझिए कि जो मिशन और जो कारकर्दगी पूरी पूरी उम्मतें दिखाया करती हैं, वो अकेले इब्राहिम ने दिखाई है। क्या इब्राहिम बंदा था अल्लाह अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और वाकईतन इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा वो वाहिद नबी हैं जो एक से ज़्यादा जगहों पर उन्होंने तौहीद के मुख्तलिफ जगह मराकज़ कायम किए हैं। पिछली दफ़ा कल हमने देखा था ना इब्राहिम में, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाकई अपनी ज़ात में ही एक उम्मत थे। और वाकई अगर एक बंदा भी तय कर लेना कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की खातिर लगानी है, आपको अंदाजा नहीं है कि अल्लाह ताला ने एक बंदे के अंदर कितनी सलाहियतें रखी होती हैं, कितनी सलाहियतें अल्लाह ताला ने इस बंदे के अंदर रखी हैं। जुमला मखलूकात इससे पीछे हैं, एक बंदे के अंदर अल्लाह ताला ने इस कदर सलाहियतें रखी हैं, वो अपने आप को पहचानता नहीं, अपनी खुद ही पहचानता नहीं है। अपनी कभी वो खुद ही पहचान लेना, फिर देखे जरा तकदीर से पहले उसकी तदबीर जो है वो अमल में आएगी। और अगर वो सही बंदा मोमिन बन जाएगा तो फिर तो निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं, तकदीरें वो बड़ा साफ हो जाएगा उसका। अल्लाह ताला हमें सही बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए अपना। तो इन इब्राहिम काना उम्मतन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो अपनी ज़ात में पूरी एक उम्मत थे। और उम्मत का दूसरा जो मतलब होता है वो इमाम के माने में भी होता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक इमाम थे, इमामुन नास का अल्लाह ताला ने उन्हें खिताब दिया ना कि वो पूरी नौ इंसानी के लिए अब एक रहनुमा थे। रहनुमा कौन होता है? जो राह दिखाता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमें कौन सी राह दिखाते थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमें अल्लाह की राह दिखाते थे कि अल्लाह की राह पर ऐसे चला जाता है, अल्लाह का बंदा ऐसे बना जाता है, अल्लाह को अपना रब ऐसे माना जाता है, शिर्क से ऐसे बचा जाता है, शिर्क के खिलाफ ऐसे डटा जाता है। जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आपको मुझे एक मिसाल कायम करके दिखा दी। क़ानितल्लिल्लाहि हनीफा, मुती फरमान अल्लाह का, सबसे कटकर अल्लाह का होकर रहने वाला था। वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकों में से हरगिज़ नहीं था। अल्लामा इक़बाल का जो बड़ी खूबसूरत एक नज़म है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो ज़ैब कलीम की पहली नज़म है, उसका बड़ा एक खूबसूरत शेर है। ये दोर अपने ब्राहिम की तलाश में, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हर दौर के अपने शिरक होते हैं, कद बदल अपनी शक्ल बदल बदल के आते हैं, और हर दौर का अपना इब्राहिम होता है। अल्लाह ताला हमें इस वक्त के इब्राहिमी कैफियत नसीब फरमाए। शाकिर अल्लाह नौमी, शुक्र अदा करने वाला अल्लाह की नेमतों का,
इजतबाहू, उसे अल्लाह ताला ने मुंतखब कर लिया था, वहदाहू और उसे डाल दिया था, इला सिरात मुस्तकीम सीधे रस्ते पर, वातैनाहु फिद दुनिया हसना और हमने उसे दुनिया में भी भलाई दी, वइन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन और आखिरत में यकीनन वो सालिहीन में से होगा, थुम्मा औहैना इलैक फिर वही भेजी हमने आपकी तरफ, अनित्तबि मिल्लत इब्राहिम हनीफा कि पैरवी कीजिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके की, हनीफा यकसूर होकर, वमा काना मिनल मुशरिकीन और वो मुशरिकों में से नहीं था। दो दफा अल्लाह ताला ने फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाहिद के सीगे में कहा जा रहा है कि अनित्तबि मिल्लत इब्राहिम कि आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी कीजिए, ये मुकाम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें हसना करार दिया गया ना, खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के लिए एक खास एतबार से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें हसना करार दिया गया, क्या शान होगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इन्नमा जुइला सब्तु अला लदीन अख्तलफू फी, हकीकत यह है कि सब्त का कानून था, हफ्ते के दिन का कानून था, जो यहूदियों पर अल्लाह ताला ने लाजिम किया था कि हफ्ते वाले दिन इबादत करनी है और माश में नहीं पढ़ना। इन्नमा जुइला सब्तु अला लदीन अख्तलफू फी, हकीकत यह है कि नाफिज किया गया था सब उन लोगों पर जिन्होंने उसके अहकाम में इख्तलाफ किया था, अल्लाह ताला ने उन्हें जुमे का दिन दिया लेकिन अपने हर तरह के जो एक एतराज वाली नेचर के मुताबिक उन्होंने कहा कि नहीं जुमे वाला दिन नहीं, अल्लाह हफ्ते वाला दिन ठीक है, अल्लाह ताला ने कहा ठीक है दिन फिर तुम्हारी मर्जी का, टाइमिंग हमारी मर्जी की होगी, फिर अब टाइमिंग पूरी होगी, नहीं तो जुमे वाला दिन होता जिस तरह हमारी टाइमिंग है वाला साफ होता। वही रब्बा का लयहकुम बैनहुम, यकीनन तेरा रब जरूर फैसला फरमाएगा उनके दरमियान, यौमुल क़ियामा क़यामत वाले दिन, फीमा कानू फी यख्तलिफून उन बातों का जिनमें वो इख्तलाफ करते रहे। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, दावत दीजिए अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ। बड़ी खूबसूरत आयत आ गई 125 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
आपकी जिम्मेदारी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी में असिस्ट कर रहे हैं बाकी सारे सहाबा भी। जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे ही इस्लाम कबूल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमाया है कि असलम मेरे जिम्मे की कम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे जिम्मे कम वही तारे जिम्मे कम, और वो भी दावत में लगे और छः बंदे अशरम वशरम से वो लेकर आए। तो बाकी सब सहाबा ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें पूरा साथ दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर रहती दुनिया तक अपनी उम्मत को जब जिम्मेदारी सौंपी है तो अल्फाज के बलू अन नी वलो आयातन, मेरे भी आप पर, क्योंकि प्राइमरीली जिम्मेदारी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है ना, पूरी नौ इंसानी की तरफ रसूल तो प्राइमरीली आप हैं। उस रिसालत के मिशन में फिर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार हैं। अल्लाह ताला ने कितना बड़ा हमें मकाम दिया है कि अंसार हैं हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाह ताला हमें इसके लिए कबूल फरमा ले। दूसरी इसकी डायमेंशन बड़ी खास है, जो भी बंदा है ना जो अपना मिशन बना लेगा जब दावत को, तो वो प्राइमरीली उसका इनफरादी तौर पर उसकी जिम्मेदारी है, दीन का असल मुखातिब फर्द है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसने दीन के अपने फराइज अदा करने हैं। उस फराइज के लिए जरूरी है कि उसको एक इज्तिमाई जिंदगी दरकार है। असल में प्राइमरीली जिम्मेदारी उसकी अपनी है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। जब अगर हम ये समझ लेंगे ना तो हमारे बहुत से जमाती मसाइल हल हो जाएंगे ना, असबियतें पैदा होंगी और ना रंजिशें पैदा होंगी। ये दोनों इंतहाएं। असबियतें कैसे पैदा होती हैं कि जब बंदा ये सोचता है कि जमात का ही एक काम है और ये हमारी जमात का काम है, कोई और जमात तो ऐसा कर नहीं सकती, अपनी जमात को पता नहीं बंदा क्या समझने लग जाता है। और रंजिशें कैसे पैदा होती हैं जब बंदा समझता है कि काम तो जमात का था, मैं उनकी इतनी मदद की, मैंने उनकी खातिर इतनी इतनी कुर्बानियाँ की और इन्होंने देखो मेरे साथ क्या किया, इन्होंने मुझे क्या किया। नहीं, बंदा ये समझे ना कि जिम्मेदारी तो मेरी थी, ये जमात वालों ने तो मेरी हेल्प की, ये ना होते तो मैं कैसे ये काम करता, मैं अकेला कैसे कर पाता। बंदा जब ऐसे सोचे तो चीज़ें ही बड़ी सुधर जाती हैं। तो ना रंजिशें पैदा होती हैं ना असबियतें पैदा होती हैं अगर बंदा ये सोचे कि दीन का असल मुखातब फर्द है। इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो ये तहरीर पूरी आपके सामने पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सुनहरे हरूफ से लिखी जाने वाली तहरीर है जिसका मैं बार बार आपको हवाला देता हूँ। दीन का असल मुखातब फर्द है, करारदाद तसीस है, बड़ी खूबसूरत एक ऐसी बुनियादी करारदाद है जिस पर कोई भी इज्तमाही जद्दोजहद का दीन की खातिर जब की जाए तो उसकी बुनियाद रखी जा सकती है। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, दावत दीजिए अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ। तो पहली बात क्या है, रब के रास्ते की तरफ दावत देनी है। तो रास्ता है ना, उसमें एक मुसलसल एक कोशिश होगी मंजिल तक पहुंचना, और पहुंचाना फिर अल्लाह का काम है मंजिल तक पहुंचाना। तुम्हारा काम है उस रास्ते पे चल पड़ो, आगे फिर अल्लाह ताला तुम्हें पहुंचाएगा, और खुद भी तुम उस रास्ते पर ही हो ना।
खुद तुम उस मंजिल पे नहीं पहुंच गए हुए कि तुम सोचो मैं तो मंजिल पे पहुंच गया हूँ, अब मैं तुम सारों को बुला रहा हूँ। नहीं, दाई कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं तो बड़ा ऐसे किसी मुकाम पे पहुंच गया हूँ और तुम सब पीछे रह गए हो तो मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। नहीं, मैं भी रस्ते में हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आज तुम भी इस रस्ते में लग जाओ और अल्लाह से मांगो हम सारे मिलकर जोर लगाए, अल्लाह हमें पार लगाए। उदू इला सबीली रब्बिक बिल हिकमती वल मौइदतिल हसनती वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। अब तीन यहाँ कैफियतें आ रही हैं। पहली है हिकमत के साथ, हिकमत और दानाई के साथ दावत का काम होता है, बगैर हिकमत के दावत का काम नहीं होता। दो चीज़ों में फ़र्क है, एक है अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर और एक है दावत। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर बड़ा सादा काम है, तभी तो हर बंदे की वो प्राइमरी जिम्मेदारियों में शामिल कर दिया गया कि जो भी तुम्हें पता है ना अंदर उर्फ और मुनकर तो हर एक बंदे को पता है ना, मारूफ और मुनकर के लिए कोई पढ़ने पढ़ाने की तो जरूरत नहीं है ना, वो तो तुम्हें पता है अंदर, बस उसके लिए गैरत चाहिए, हमियत चाहिए, जज्बा चाहिए कि जहां भी तुम किसी मारूफ को देखो उसको प्रमोट करने की तरफ और उसको पोटेंशिएट करने की तरफ जोर लगाओ, और जहां भी कोई मुनकर देखो उसे कंडम करने की तरफ जोर लगाओ। ये तो हर बंदे का काम है, आकिल चाहे वो आलिम हो चाहे बेलम हो, लेकिन ये जो दावत है ये बड़ा ऊंचा काम है, अल्लाह ताला इसके लिए कबूल फरमाए हमें, इसके लिए तो फिर जिंदगियां लगानी पड़ती हैं, और उसके लिए खास तौर पे जो उसका सबसे ऊपर लेवल है हिकमत, उसके लिए तो फिर बड़ी हिकमत और दानाई चाहिए होती है, किस बंदे को कितना समझाना है, कब समझाना है, कौन सी बात कब समझानी है, उसके बाद क्या समझाना है, किस तरह दावत पेश करनी है, जो पूरा एक काम है, पूरी एक स्पेशलाइजेशन है, पूरा एक मकसद है जिंदगी का, ऐसे ही नहीं हो जाता जी, इसके लिए बंदे को मेहनत करनी पड़ती है। और ख़ास तौर पर माशरे के वो अफराद जो माशरे को ले कर चलने वाले होते हैं, पल्स मेकर होते हैं, जो ट्रेंड सेटर होते हैं, उनको सेट करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। ये वैसे लोगों की जिम्मेदारी होती है जिनको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी होती है। देखिए माशरे में मुख्तलिफ तरह के अफराद हैं, कुछ है बिल्कुल सादा लोग हैं जिनको कुछ ज़्यादा बातों का पता ही नहीं है, वो देखते हैं कि अच्छा हमारे बड़े जो कर रहे हैं तो चल पड़ते हैं, अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी होती हैं मुख्तलिफ नस्लों में, मुख्तलिफ जातों में, मुख्तलिफ इलाकों में, अल्लाह ताला ने कुछ लोग ऐसे पैदा किए होते हैं जो इन बोर्न लीडर्स होते हैं, वो इन बोर्न ऐसे होते हैं कि वो आगे बढ़कर चीज़ों को सेट कर सकते हैं, और कुछ होते हैं जो पीछे चलने वाले फॉलोअर्स होते हैं। तो अल्लाह ताला ने दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ रखी हैं। फॉलोअर को क्या कहा है कि तुमने हक बात की इतबा करनी है, जुल्म और सरकश की इतबा नहीं तुमने करनी, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। और जो लीडर कि जिनके अंदर सलाहियत है, अल्लाह ताला ने उन्हें क्या, अल्लाह ताला ने उन्हें क्या हदायत दी है, उन्हें क्या हुक्म दिया है कि तुमने लोगों को अपने पीछे लगा के अपने मफादात के लिए उन्हें इस्तेमाल नहीं करने लगना, तुमने उन्हें हक की खातिर इकट्ठा करना है, हक की खातिर उन्हें लीड करना है। अल्लाह ताला दोनों को तौफीक अता फरमाए। तो जो लीडर्स होते हैं किसी माशरे के, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, इंटेलिजेंसिया होता है, चाहे होता कम है वो, लेकिन उसको कायल करना, उसको दावत देना, ये भी अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी करार दी है उम्मत ही के ज़हीन अफराद की। और हम में से हर कोई अपने आप को सही समझता है ना, दिल से पूछे को बंदा है जो समझता है यार मैं तो बड़ा बेवकूफ़ समझता हूँ, कोई भी नहीं समझता, तो मतलब मैं तो मेरे से बड़ा सयाना कोई है ही नहीं, अगर ऐसा समझता है तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि उसकी बड़ी फिर गहरी जिम्मेदारी है, जो इस बंदे को अल्लाह ताला ने जितनी सलाहियत दी है उसकी उतनी ही जिम्मेदारी है। तो अल्लाह ताला ऐसी जमातें पैदा फरमाए, ऐसे इदारे पैदा फरमाए कि जो माशरे के जो ऊंचा तबका है उसको दावत की तरफ बुला सके। आज हमारे माशरे में असल कमजोरी इस बात की, जब इस बात की कमजोरी है तो फिर थोड़े से लोग भी बड़ा बड़ा कुछ कर जाते हैं और इतने ज़्यादा लोग भी सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमती वल मौइज़तिल हसना, और उमदा नसीहत के साथ, वाज़ कहते हैं जो दिल से निकली हुई बात दिल पर असर कर दे, दिल को नरम करके उनके अंदर अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, आखिरत का खौफ पैदा करे। ये आम जो दावत का अंदाज होता है ये वो है, अल्लाह ताला हमें इसकी भी तौफीक अता फरमाए। वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, तीसरी तरह के वो लोग होते हैं जो बुराई के अलमबरदार बने होते हैं, जिनका मानने का कोई इरादा नहीं है, अब उनके साथ जिदाल करो, मुबाहसा करो उन लोगों के साथ ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो, ताकि वो माने या ना माने लेकिन उनके ज़ेरे असर जो लोग आ रहे हैं उनकी वजह से जो लोग गुमराही के रास्ते पे जा सकते हैं उनको कम से कम पता चल जाए कि भाई ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। और इसकी आज के दौर में मिसाल जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब थे, उन्होंने किस तरह खड़े होकर हिंदुओं के जो बड़े थे, जो ईसाइयों के बड़े थे, उन सबसे उन्होंने मुबाहसे किए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि आज एक मुसलमान जो है वो एक ऑनर महसूस करता है कि अपने कोई कुलीग है उसका, अगर कोई क्रिश्चियन है, कोई कुलीग है, कोई हिंदू है, तो ऑनर फील करते हुए उसे कह सकता है कि आपने वो सुने, आप सुने, इस पर हम बात कर सकते हैं, उसको एक उन्होंने एक ऑनर दी है, अल्लाह ताला उनको इसकी जजा दे। और ये काम तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, ये भी हर बंदे का करने का काम नहीं है, बंदा पहले अपने दीन के हवाले से पूरी तरह गहराई में उसका इल्म हो, फिर अगले के दीन का और अगले के जो तरीका है पूरा उसको पूरी तरह वो समझे, फिर इसमें जिंदगियां लगाने वाला काम है।
इन रब्बका हुआ आलम बिमन दल्ला अन सबीली, लेकिन दावत तबलीग करते हुए लोगों की गुमराही और हिदायत के फैसले तुम नहीं करने ला जाना। इन रब्बका हुआ आलम बिमन दल्ला अन सबीली, बेशक तेरा रब भी खूब जानता है उसको जो भटक गया उसके रास्ते से, वह आलम बिल मुर्तदीन, और वही बेहतर जानता है उनको जो हिदायत याफ्ता है। तुम अपने बारे में सोचते रहो कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे दे, कभी ये नहीं समझना चाहिए दाई को कि मैं तो अब हिदायत पा गया हूँ, मैं दूसरों को पकड़ पकड़ के हिदायत ला रहा हूँ। नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल थे जो हमें हदायत पर ला रहे थे, हम तो सब हदायत पाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी हम सब। इसलिए लफ्ज तवासो, मिलजुल कर एक दूसरे को हक की ताकीद करना। कोई भी बंदा हमें से ये दावा नहीं कर सकता कि मैं तो हक पर पूरी तरह कायम हो गया हूँ और मैं दूसरों को दावत देने लगा, ऐसी बात नहीं है। और इसी की दूसरा मामला क्या है कि कोई बंदा इस बात का इंतजार भी नहीं कर सकता कि जब तक मैं पूरा हदायत याफ्ता नहीं होगा तब मैं दावत नहीं दूंगा। भाई नहीं, आपने कोशिश कर रहे हैं ना, इस कोशिश ही की तो दावत देनी है आपने। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। वही ना आप अब तुम फाकिबु मिथली मा उकिबतुम बिह, और अगर तुम बदला लो तो तकलीफ पहुंचाओ उसी कदर जिस कदर तुम्हें तकलीफ पहुंचाई गई है। ये आयत बड़ी खास है कि जब दावत के मरहले में होना तो आइडियली वही चाहिए कि बुराई का बदला भी अच्छाई से दे दिया जाए, लेकिन इजाजत की हद तक ये बात है कि अगर तुम बदला लो तो सिर्फ उतना ही जितना तुम्हारे साथ ज्यादा की जाए, उससे ज्यादा तुमने बदला नहीं लेना। ये भी कैफियत कैफियत इसकी मुख्तलिफ होती है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। मिसाल के तौर पर जब आप सीरत पढ़ेंगे तो एक आम साहबी जब उन पर जुल्म सितम हो रहा है तो उनका रवैया डिफरेंट है, लेकिन बाज़ुकात एक सरदार साहबी हैं, उसको अगर किसी ने आगे से कुछ कहा तो उन्होंने आगे से उसको तुर्की बतुर्की जवाब भी दे दिया। बाज़ुकात हजरत उमर यतनों जैसे साहबी को अगर किसी ने कुछ कहने की कोशिश की है तो उन्होंने आगे से उसको जरा उसको अपनी हद में रखने के लिए उसको चार सुना भी दिए और आगे से उसे पीछे भी कर दिया कि बंदा मन उम्र हूँ मैं, मुझे तो ऐसे नहीं कर सकते हूँ। तो सिचुएशन टू सिचुएशन ये चीज़ वेरी करती है। और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो सबर का मरहला गुजार रहे थे मक्के में, उसको हम आम तौर पर सबर को डिफरेंट तरीके से विजुलाइज करते हैं। उसके लिए जो सही उसकी जो पिक्चर है ना, वो आपके सामने लाने के लिए मैं एक आपको वाकया सुनाता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में मौजूद होते थे तो आपका एक दीवार का हमसाया था गुलाम, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के ऊपर जो है वो गंदगी फेंकने की नापाक हरकतें किया करता था। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ रहे होते थे, कुछ खाना बना रहे होते थे, कुछ ये वो, तो ऊपर से वो गंदगी फेंकाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि उसकी वो जो फेंकी हुई चीज़ थी उसको किसी चीज़ से उठा के दरवाजे से बाहर आके तो कहा करते थे कि ऐ बनू हाशिम के लोगों, हम साईगी का यही तसव्वुर रह गया है, एनो नम साए। आज की ज़ुबान में आप इसे यूँ कहें कि एक पुरमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाते थे, बताते थे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हम कुछ नहीं कह रहे, रिकॉर्ड पे लेकर आते थे उसे। ये अहले हक का काम होता है ताकि उस इज्तमाई ज़मीर को जगाया जा सके, और कभी कभी अगर सिचुएशन वहां तक पहुंचे तो बदला सिर्फ उतना जितना तुम्हें तकलीफ पहुंचाई गई। वाला इन सबर तुम, लेकिन अगर तुम सबर करो लहू खैरुल साबिरीन, तो ये सबर सबर करने वालों के लिए बेहतर है दोनों एतबार से। अल्लाह ताला के हाँ भी अजर ज्यादा होगा, सामने वाले लोगों के दिल भी फतह होंगे, और जो खामोश अक्सरियत तमाम उन्नास की देख रही है कि यार इनके साथ जुल्म सितम हो रहा है लेकिन इन्होंने तो आगे से अभी तक कुछ भी नहीं कहा, इनके साथ फिर उन्होंने ऐसे किए, इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, वो खामोश अक्सर तो नहीं कह दिया यार तो कुछ कहने नहीं है, और वो आके कहती है बस करो तुमने क्या जुल्म सितम तुम लोगों ने जारी रखा हुआ है। ये उनकी हमदर्दियां आती चली जाती हैं, और अहले हक के लिए अल्लाह के बाद मादी वसाइल में से सबसे बड़ा जो उनका जरिया होता है मदद का, वो अवामी हमदर्दी होती है, खामोश अक्सरियत होती है, अवाम को अपनी तरफ मायल और कायल करना होता है। जो अहले हक की जमात इसमें फेल हो जाए वो समझे पूरी फेल है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह के साथ भी तल्लुक मजबूत करें अपना, और अवामी हमदर्दी और अवामी जमीर को भी जगाने की ये पूरी कोशिश करें। सबर करते रहिए, आपका सबर तो सिर्फ अल्लाह की तौफीक से ही है, आपका सबर तो सिर्फ अल्लाह के सहारे है, आपने तो अल्लाह के सहारे सबर करना है। वला तहजन अलैहिम, और आप उन पर गम न खाइए, वला तकु फी ज़ैक़िन मिम्मा यमकुरून, और इन चालबाजियों से जो ये कर रहे हैं आप तंग दिल ना होइएगा। इन्नल्लाह मअल लदीन तक़ू, यकीन करें कि अल्लाह साथ है उन लोगों के जो तकवा अख्तियार करते हैं, और क्या चाहिए, अल्लाह जब आपके साथ है ये अगर आपको तंग करने की कोशिश करते हैं आपने परेशान नहीं होना। वल्लदीन हुम मुहसिनून, और उन लोगों के जो मुहसिनून हैं जो एहसान की रविश अख्तियार करते हैं, बेस्ट काम करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए।